बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। 18 साल से ऊपर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मध्य प्रदेश की तैयारी। 180 करोड़ रुपए में 45 लाख कोविशील्ड का पहला ऑर्डर दिया गया है। इंस्टीट्यूट से एक डोज 400 रुपए में खरीदेगी। दोनों डोज 800 रुपए के होंगे। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। 180 करोड़ रुपए में 45 लाख कोविशील्ड का पहला ऑर्डर दिया गया है। चलिए तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ तैयारी है जान लेते हैं हमारे संवाददाता दुष्यंत से। दुष्यंत, 18 साल से ऊपर वालों को 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ सरकार की तैयारी है? से 1 मई से एक जो तीसरा चरण है वो उसकी शुरुआत होगी वैक्सीनेशन की। और जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही थी कि जो युवा हैं, युवाओं को वैक्सीनेशन कब दिया जाएगा, तो अब सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद से ही सरकारों ने लगातार प्रयास शुरू कर दिए। मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। और जिस तरीके से अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात की जाए तो दोनों डोजेज की जो खरीदने का सिलसिला है वो सरकार ने लगातार उसका रोड मैप तो तैयार कर ही लिया था और अब खरीदने की सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। जिस तरीके से लगातार जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है तो दोनों के डोज जो है वो जल्द से जल्द मध्य प्रदेश को मिलने लगेंगे। और जिस तरीके से 1 तारीख से 1 मई से नया वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा तो इसमें बड़ी संख्या में जो युवा होंगे वो तो शामिल होंगे ही, साथ ही साथ जिस तरीके से जो 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन लगातार जारी था तो वो भी लगातार चलता रहेगा। इसके साथ में 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उन लोगों को अभी जो वैक्सीनेशन किया जाना था तो वो भी लगातार चलता रहेगा। लेकिन जो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको अब वैक्सीनेशन किया जाएगा। हालांकि सरकार ने जिस तरीके से जो एक रोड मैप तैयार किया है उसके तहत अगर बात की जाए तो स्टोरेज में पहले से ही कई हजार डोज जो है वो सरकार के पास है, लेकिन इसके साथ ही कई जो हजार और कई लाख डोज जो है वो अब सरकार ने बुक कर रखे हैं। और 400 रुपए में कोवैक्सीन तो 400 रुपए में ही कोविशील्ड का एक एक डोज जो है वो सरकार खरीदेगी। तो इस तरीके से 180 करोड़ के जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 180 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है सरकार वो इस वैक्सीनेशन को लेकर करने जा रही है। और जिस तरीके से तमाम सारे प्रयास सरकार की तरफ से है कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से संक्रमण जो फैल रहा है तो उस संक्रमण को कैसे रोका जाए, तो इसका एक ही मात्र उपाय जो है सरकार को नजर आता है और वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अगर बड़ी संख्या में होता है तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण जिस दर से फैल रहा है उस दर को रोका जा सकता है, उस संक्रमण को कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाई जा सकती है। तो प्रयास सरकार लगातार कर रही है और वैक्सीनेशन के साथ साथ तमाम सारी व्यवस्थाएं भी कर रही है। बिल्कुल दुष्यंत, बने रहिएगा आपके पास, फिर लौटेंगे। तो 18 साल से ऊपर के जो लोग होंगे उन्हें 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए 180 करोड़ में 45 लाख कोविशील्ड के लिए पहला ऑर्डर दे दिया गया है। 400 रुपए का ये पहली वैक्सीन होगी जो इंस्टीट्यूट से सरकार खरीदेगी।